होप यू ऑल आर वेल, इट्स मी शो हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक फेक नेल का वीडियो बना के दूं। तो ये जो फेक नेल का वीडियो है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चाहिए ही होंगी, और ये तीनों ही बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। तो पहला जो है वो है आपका चार्ट पेपर। कोई भी कलर का चार्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास हो या फिर आपको मिला हो, तो वो चार्ट पेपर ले लेना। अगर आपके पास चार्ट पेपर भी नहीं है तो उसकी जगह आप कोई भी कलरफुल पेपर को यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो जो थिक हो ना, वो चार्ट पेपर जितना ही थिक हो। और दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो है व्हीट फ्लोर, जिसको हम बोलेंगे गेहूं का आटा। तो ये भी सबके घर में होता है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। अब जो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, उसके लिए वीडियो को कंटिन्यू देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर कर देना। साथ ही साथ अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये रहा चार्ट पेपर, ये ब्लू कलर का लिया है मैंने। तो मेरे को नेल के साइज़ का चाहिए, इसलिए मैं छोटा सा कट करूँगी। उसके लिए मैं बड़ी सीज़र का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी सीज़र हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे हाफ में फोल्ड करूँगी कुछ ऐसे। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर दूँगी। ये हो जाने के बाद अब मैं थंब के लिए नेल बना रही हूँ, तो मैं थंब का साइज़ लूँगी सबसे पहले। उसके लिए करना क्या है, एक पेंसिल ले लेना है आपको, और जो भी आपके नेल का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़कर आपको मार्क करना है। अब पेंसिल की हेल्प से जो भी साइज़ या फिर जो भी शेप आप अपने नेल को देना चाहते हो, वो इसी टाइम पर आप पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लो। तो अब मैं ये नेल को सीजर की हेल्प से कट कर लूंगी। मैं इसीलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि ऐसा करने से मुझे एक ही बारी में नेल का जो साइज है और जो शेप है वो एकदम परफेक्ट मिल जाता है। अब एक पेंसिल की हेल्प से मैं थोड़ा सा इस फेक नेल को अंदर की तरफ बेंड कर रही हूँ। ऐसा करने से नेल का शेप अच्छा आ जाएगा। नेल को अप्लाई करने से पहले मैं नेल को बफ कर लेती हूँ, इससे नेल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्टिक होता है नेल पे। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ नेल ग्लू को। जो तीसरी चीज़ की मैं बात कर रही थी वो यही है, नेल ग्लू। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपको अपने नेल पे लगा लेना है। जैसे ही मैंने नेल ग्लू अप्लाई किया, अब फटाफट से ये जो फेक नेल है इसे भी अप्लाई कर लूँगी। ये थोड़ा सा मूव हो रहा था इधर उधर क्योंकि मैं अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रही थी अपने राइट हैंड पे, और मैं मोस्टली अपने राइट हैंड का यूज़ करती हूँ हर जगह। तो ड्राई हो जाने के बाद अब मैं वापस से नेल ग्लू लेने वाली हूँ और इसको अपने नेल पे अप्लाई करने वाली हूँ। हर एक कॉर्नर को आपको अच्छे तरीके से नेल ग्लू से कवर कर देना है, और अब फटाफट से तुरंत ही ये जो दूसरा वाला फेक नेल है इसे भी मैं अप्लाई कर लूँगी। ये देखो मैंने यहाँ पे बोल के अंदर व्हीट फ्लोर ले लिया है, गेहूं का आटा। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा नेल ग्लू बहुत अच्छे तरीके से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, अच्छे तरीके से अपने पूरे नेल को कवर करना है, और अब फटाफट से ये जो बोल के अंदर आटा है इसमें मैं अपने नेल को डिप कर लूँगी। ऐसा फटाफट इसीलिए करना है क्योंकि पेपर पे जब नेल ग्लू लगता है तो नेल ग्लू बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अप्लाई करने के बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया था, और उसके बाद अब मैं जो भी एक्स्ट्रा फ्लोर है उसे डस्ट कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। तो अब मैं सेकेंड लेयर पर जा रही हूँ, और उसके लिए मैं वापस से यहाँ पर नेल ग्लू अप्लाई कर रही हूँ, और अब मैं अपने नेल को फिर से इसमें डिप कर रही हूँ।
अच्छे से कवर कर लूंगी अपने पूरे नेल को, और अब वेट करने के बाद मैं डस्ट कर लूंगी। ये जो मैंने आपको स्टेप बताया है, ये आपको 4 to 5 times करने हैं। देखो 4 times अप्लाई करने के बाद ये नेल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है, और मैं एक बारी और आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। और अब कर लूंगी नेल को डिप। इसलिए आपको कह रही हूँ 4 to 5 times ये प्रोसेस को करने, क्योंकि इससे आपका जो नेल होगा वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब मैं कर लूंगी नेल को डस्ट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका जो शेप है वो बेकार है, लेकिन नहीं, हम शेप को भी बाद में चेंज करेंगे। लास्ट में एक बार और मैं नेल ग्लू अप्लाई कर लेती हूँ। मैं बैक साइड पे भी नेल ग्लू को अप्लाई कर रही हूँ, ऐसा करने से बैक साइड से भी नेल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ मुझे पता है अभी नेल बहुत अगली लग रहा है, लेकिन शेप होने के बाद ये एकदम परफेक्ट लगेगा। तो कोई भी नेल फाइल आप यूज़ कर सकते हो, ये मैंने ऑनलाइन लिया था। अगर वीडियो चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो देखो, अच्छा लगे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। मैं ये छोटे वाले नेल फाइल का यूज़ कर रही हूँ, ये वाला भी मैंने ऑनलाइन लिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इससे मैं नीचे जो क्यूटिकल एरिया वाला जो मेरा एरिया है उसको मैं शेप करूँगी, क्योंकि वो एरिया में भी नेल जो है वो अच्छे से बना नहीं है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है नेल को शेप करने में, तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इसीलिए मैं दोनों को ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखो ये नेल फाइल होने के बाद कितना परफेक्ट बना है और कितने परफेक्टली ये शेप हुआ है। वो भी ऑनेस्ट से शेप करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, बट ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि नेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ बेस कोट। आप चाहें तो ऐसे ही अपने नेल को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने नेल को पेंट करें तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने सोचा है क्यों ना मैं यहाँ पे ऑरेंज नेल पॉलिश को अप्लाई करूँ। आपके पास जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो नेल आर्ट भी कर सकते हो। तो ये देखो नेल हो गया है हमारा रेडी, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बैक साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है। आप चाहो तो बैक साइड पे भी पेंट कर सकते हो। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।